नमस्कार दोस्तों। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, हमेशा अच्छे रहें। तो दोस्तों, नवरात्रि हमारी पूरा हो गई है, तो अब हम अभी तक तो हमने नवरात्रि के वीडियो आप लोगों को दिखाया, तो अब हम दिखाएंगे खाने के वीडियो। तो आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो जय अम्बे माँ चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज हम बनाएंगे लौकी की दाल। तो लौकी की दाल कैसे बनाएंगे, तो लौकी की तो बहुत सारी रेसिपी आप लोग खाए होंगे, तो आज हम लौकी की दाल बना के दिखाते हैं किस तरह बनती है। तो लौकी की दाल बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनती है, सेहत के लिए भी अच्छी होती है। इतनी समय दोस्तों थोड़ा सा जो गर्मी की सीजन आ गई है, तो हरी चीज़ खाना बहुत अनिवार्य है। तो अभी हम दिखाते हैं किस तरह हम लौकी की दाल बनाएंगे। यहाँ पे हमने इस तरह की लौकी लिया है, तो हमने दो लौकी हमारे पास रही, तो हम एक लौकी को कट कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसका हम लौकी का, इस तरह की लौकी का हम छिलका निकाल दिया है। उसके बाद हम छिलका निकाल के इसको हम बारीक काट लिया है। काटने के बाद हम साफ पानी से धो लिया है। जहाँ पे हमारी अरहर की दाल है, तो इसी में हम लौकी की दाल बनाएंगे। तो उसके बाद हम इसको दाल, ये हमारी जो लौकी है, तो हम इसको कुकर में डालेंगे। इसी में हम ये दाल डाल देंगे। तो आप चाहे तो मटर की दाल में बना सकते हैं, जिसका छोला बनाया जाता है। तो छोला तो चने का बनाया जाता है, मटर का बनाया जाता है, तो हम यहाँ तो वही हम मटर का बता रहे हैं, उसी के बारे में बता रहे हैं कि आप चाहे तो मटर की दाल में बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम अरहर की दाल में जो हम लौकी की दाल बनाएंगे, तो यहाँ पे हम इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे। यहाँ पे हम ढक्कन लगा देंगे, उसके बाद हम कुकर बंद करके इसको हम गैस पे चढ़ाएंगे। इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, उसके बाद हम बना के दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम इसमें हम दो तीन सीटी लगाएंगे, हमारी दाल पक जाए, उसके बाद हम इसको बनाएंगे। यहाँ पे हमारी लौकी की दाल बनके रेडी हो गई। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह की हमने पका लिया है। तो अभी तो हमने कुकर में पकाया है, इसका हम टेस्ट बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ डालेंगे आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने दाल बनाने के लिए, दाल तो हमने केवल कुकर में भी पकाया है, तो दाल बनाने के लिए इसमें हम मसाले क्या क्या डालेंगे। तो ये हमारा धनिया पाउडर है, ये हमारा कलर मसाला है, यहाँ पे हमारी तीखी मिर्ची है, थोड़ी सी हींग है, हल्दी पाउडर है, ये हमारा तेज पत्ते हैं, यहाँ पे ये हमारी लहसुन की कलियाँ हैं, हरी मिर्ची है, हरी धनिया है, टमाटर है, ये हमारा प्याज की हरी पत्ती है। तो इसमें थोड़ा सा हमारा प्याज है और प्याज की हरी पत्ती है, तो हम ये चीज डाल के बनाएंगे। यहाँ पे हमने थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, उसके बाद हम बनाएंगे इसी में। यहाँ पे हमने कढ़ाई चढ़ा दिया, इसी कढ़ाई में हम दाल बनाएंगे। यहाँ पे हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तो आप चाहे तो सरसों के तेल में बना सकते हैं, रिफाइंड तेल में बना सकते हैं, तो खाने में दाल तो बहुत टेस्टी बनेगी। तो इधर हम लहसुन डाल रहे हैं, इसमें लहसुन की कलियाँ। हरी मिर्ची डालेंगे, उसके बाद हम इसमें प्याज की पत्ती डालेंगे, इसी में हम तेज पत्ते डालेंगे। यहाँ पे हमारा मसाला पक गया है, जो हमने प्याज डाला, तो सॉरी, तो इसको हम यहाँ पे हम जो मसाले लिया है, तो अब इसमें डालेंगे जो हमने तीखी मिर्ची है, ये हमारा कलर मसाला है, गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, ये हमारी हींग है, हल्दी पाउडर है, तो ये सारी चीज़ें हम इसी में डालेंगे। आप चाहे तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे मसाला पकने के लिए, थोड़ा सा पानी डालना बहुत ज़रूरी है कि मसाला हल्का जलने न पाए। तो अब इसमें हम टमाटर डालेंगे, हाँ
ये सारी चीजें हम इसे में पका लेंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, तो नमक हम इसी के साथ डालेंगे कि ताकि टमाटर जो है तो अच्छी तरह से गल जाएं। कभी मसाले में अगर टमाटर डालें तो इसमें नमक जरूर डाल दें कि पकाते समय नमक डालने से टमाटर बहुत अच्छे गल जाते हैं। यहाँ पे हमने जो दाल पका के रखा तो अब इसमें हम दाल पलट देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, आप चाहे तो गाढ़ी बनाना चाहते हैं तो पानी ना डालें, इससे थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। अभी ये ठंडे होने के बाद गाढ़ी हो जाएगी तो इसमें अभी हम और पानी डालेंगे, ये ज्यादा गाढ़ी है। यहाँ पे हमने इसमें पानी डाल दिया है तो थोड़ी सी अब हम इसमें धनिया डाल देंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे। यहाँ पे हमारी दाल बनके रेडी हो गई है, तो इस तरह की हमने बनाया है। तो अभी ये ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाएगी तो अभी हम इसको उतार के दिखाते हैं। यहाँ पे हमने लौकी की दाल बना के रेडी कर दिया है, जो खाने में भी अच्छी, सेहत के लिए भी अच्छी है। तो आप चाहे तो इसको चावल के साथ खा सकते हैं, पराठा के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। तो हमने दाल बना के रेडी कर दिया है, बहुत टेस्टी बनी है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।